नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है और हर्षद मेहता सोने ले, दोनों का रिव्यू दूंगा, दोनों का कंपैरिजन दूंगा, तो बने रहना। हो सकता है कि आपको इसका दूसरा पहलू पता चले, इंटरेस्ट और जग जाए, और अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए जरूर। इससे पहले मैं स्पॉइलर दे दूँ, पहले बात कर लेते हैं स्कैम 1992, हर्षद मेहता। ये स्टोरी सुजीता दलाल द्वारा लिखी गई है, वो एक जर्नलिस्ट हैं। इस स्कैम को एक्सपोज करने में बहुत बड़ा हाथ है उनका, इसके पीछे और भी लोग थे और बहुत सारे सरकारी लोग, CBI। आप अगर आपने देख लिया तब तो बात ही अलग है, आपने नहीं देखा है तो स्कैम 1992 हर्षद मेहता 10 एपिसोड का एक सीज़न है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद, जाहिर सी बात है कि पूरी स्टोरी ख़त्म हो गई, और जैसा कि दिखाया जाता है स्टोरी के हिसाब से और रियल में भी जो सेम कहानी थी कि उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक आ जाने से, और वो हॉस्पिटल में मर जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जेल में मर जाते हैं। आखिरी का एपिसोड बहुत आपको एकदम, आपको इमोशनली वो कर देगा कि आप, एक तो ये है कि पहले से लेके पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक आप देख रहे हैं किसी एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, रिस्क टेकर, एक ऐसे आदमी को, और एंड तक आते आते वो बूढ़ा हो जाता है, CBI की कस्टडी में, फिर कोर्ट के चक्कर लगाना, फिर ED पकड़ लेती है, फिर CBI वाले ह्यूमिलिएट करते हैं, इतने सारे केसेस, मतलब तमाम, किसी से सपोर्ट ना मिलना, तो एक आपका एक अटैचमेंट बन जाता है उस इंसान से लेके, हर्षद मेहता द बिग बुल से लेके एक मतलब हेल्पलेस बुजुर्ग आदमी तक, बुजुर्ग मतलब 50 की उम्र के आसपास का, जिसके पास समर्थन के लिए, इसके पास सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। और उस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं, प्रॉफिट दिखता है तो कोई भी झुकता है। और हर्षद मेहता का भी यही है कि वो सबको फायदा कमा के देता था। हर्षद के धंधे की धार पे भरोसा रख, अच्छे अच्छों की कट जाती है इसके सामने। तो इसमें ये कहा जा रहा है, इसकी दो थ्योरीज हैं। हर्षद मेहता का एस्पेक्ट ये है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सिर्फ लोगों को कमा के दिया है, और सिर्फ मैंने उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल किया जो चीज़ ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, मैंने कोई अपना कुछ क्रिएट नहीं किया, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने किसी को लूटा नहीं, मैं कोई क्राइम करके भागा नहीं। उसने पैसे भी वापस किए SBI के, जो दिखाया जा रहा था कि SBI से लिंक जो स्कैम है 500 करोड़ का, उसने चुका दिया था, और वो ये कह भी रहा था कि मैं पैसे और चुका भी दूंगा, लेकिन एंड में जो आखिरी पोर्शन में दिखाया जाता है कि उसके दोस्त की वजह से वो एक ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जिस मुसीबत में, मतलब वो अवॉइड कर रहा था कि अब मैं ED CBI के चक्करों से निकला हूँ, बेल मिली है, तो अब कुछ ऐसी गलती नहीं होगी, भले छोटी शुरुआत करेंगे लेकिन कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिससे मैं वापस जेल जाऊँगा। लेकिन उसके दोस्त ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा, उनसे ही धोखा करके एक फ्रॉड कर लिया होता है, और नाम हर्षद का लगा देता है इरिटेशन में, जलन में, तो वो अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर आपने देख लिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब तक बहुत बड़ी आबादी ने देख लिया, क्योंकि IMDb पे 9.6 करके रेटिंग मिली है, और दुनिया की टॉप 50 वेब सीरीज़ में, या कह दें या ऐसे कंटेंट्स में जो पॉपुलर होते हैं उसमें आया है। तो एक तो प्रतीक गांधी के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से किरदार निभाया, जिस पैशन से, एनर्जी से, जिस रोल में उन्होंने अपने आप को ढाला है, वो व्यक्ति हर्षद मेहता बन चुका है, एक गुजराती कैरेक्टर, और प्रतीक गांधी खुद भी गुजराती। तो मेरा ओवरऑल व्यू मैं यही कहूँगा कि हर्षद मेहता की अपनी जो ज़िंदगी थी, जो उन्होंने खुद लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को कमा के दिया, उनको भी प्रॉफिट दिया, खुद भी प्रॉफिट कमाया, सरकार को भी प्रॉफिट दिया, क्योंकि वो लूप होल्स यूज़ करने के लिए नहीं थे, आप उनका फ़ायदा उठा के शायद सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके हिसाब से सही नहीं बैठता है, इसलिए जो उनके ऊपर केसेस चल रहे थे वो जायज़ थे शायद। लेकिन उसके अलावा मूवी देख के आप शायद हर्षद मेहता को गलत नहीं ठहराएंगे, मूवी ने दोनों पहलुओं पे ध्यान दिया है, ना कि सिर्फ उनको क्रिमिनल साबित करने में, ना उनको सिर्फ हीरो की तरफ पोर्ट्रे करने में। लेकिन एक, अगर जनता एक ओवरव्यू लेके निकलेगी देखने के बाद, तो वो एज अ हीरो ही देख के निकलेगी, और उनसे इंस्पायर होने के लिए बहुत कुछ है, और इसको स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में ABCD भी नहीं पता, उसको बहुत कुछ पता चल जाएगा, तो एक नॉलेजेबल पोर्शन भी है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप देखिए, एक्सपीरियंस लीजिए, एक नए तरीके की वेब सीरीज़ है, माना कि सिर्फ एक ही सीज़न है, उससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता था। तो बस इसमें इतना ही, बैड बॉय बिलियनेयर के लिए आप अगले एपिसोड में देख सकते हैं, और अगले एपिसोड को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।